किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचने का काम किया। हालांकि उन्हें लाठी का मुकाबला करना पड़ा, उन्हें अपमानित होना पड़ा, और वो लोग अपमानित हो रहे हैं जो हमें खाना खिलाते हैं, अन्नदाता हैं, और उनका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उस दिन अपमान किया जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा था। और बताइए उसी दिन क्या हालत कर दी किसानों की, कि किसानों पर लाठी चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान नाराज है, सड़कों पर है, और कितना धोखा दिया गया उनको। कहा कि पैकेज मिलेगा, लेकिन जमीन पर पैकेज ही नहीं पहुंचा। हजारों करोड़ का पैकेज का पता नहीं कहां पहुंच गया पैकेज। कर्ज माफ होगा, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। उनकी आमदनी दोगुनी होगी, आमदनी दोगुनी नहीं हुई। ये MSP कहा कि पहले आमदनी दोगुनी कर रहे थे, उसके बाद कहा MSP हम लागू कर देंगे, लेकिन MSP भी लागू नहीं है, किसी को मिल नहीं रहा। इसलिए किसान नाराज होकर के दिल्ली से अपनी मांग पर पूरी करवाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अपमानित किया है। जिनको अपमानित किया है, समय आने पर सरकार के खिलाफ वो मतदान कर करके सरकार का घमंड दूर करने का काम करते हैं। और आज के ज़माने में ज़रूरत भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हों, जागरूक हों, जो राजनीति की दिशा के साथ साथ आर्थिक दिशाओं को भी समझते हों, और नई जो टेक्नोलॉजी, नई जो समझ है उसको भी जानते हों, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंच सकता है। इसलिए मुझे खुशी है कि एक इंजीनियर को मैं शामिल कर रहा हूं। हालांकि कोरी समाज के हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इंजीनियर भी हैं, इसलिए ज़्यादा समाजवादियों को खुशी मिल रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे, और पूरा समाज समाजवादी सिद्धांतों, कार्यक्रमों को कैसे आगे लेकर के जाए, उस दिशा में भी हमारा सहयोग करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी। दूसरे दल के लोगों के बारे में ये कहा गया था कि पिछला चुनाव उन्होंने इसलिए अच्छा जीत लिया कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की समझ दी। शायद हमें उस समय समझ नहीं थी, हम उस समझ पर वापस आए हैं। तो एक सोशल इंजीनियरिंग करते हुए एक इंजीनियर हमें मिला है कोली समाज का, और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं प्रदेश और देश में।